इंदौर में फर्जी दस्तावेज और सिग्नेचर के आधार पर प्लॉट बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित था। दरअसल अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी में रहने वाले फरियादी गिरीश हाड़ा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका कहना है उनके एक प्लॉट को किसी फर्जी तरीके से सिग्नेचर कर बेच दिया। पुलिस ने फरार चल रहे 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अमित सहस्त्रबुद्धे देवास का रहने वाला है और फर्जी दस्तावेज बनाने का मास्टर है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। ये 2020 का मामला था। प्लाट के कूट दस्तावेज तैयार करके किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया गया था, जिस पर एक आरोपी फरार था, जो क्राइम की मदद से भी पकड़ा गया है। 2020 की घटना थी, उसको हिरासत में लिया है, PRP लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है सर, कौन सी कॉलोनी की, यहाँ पे किया गया था? घटना स्थल था ये सिल्वर ऑक्स कॉलोनी का। फरियादी था गिरीश पिता गिरीश शारड़ा और आरोपी का नाम है अमित पिता जयवंत सहस्त्रबुद्धे, जिसको अरेस्ट किया गया है। एक साथी इसका पहले था जो अरेस्टेड हो चुका था, ये फरार था। ऐसा स्पेसिफिक कोई खास जगह नहीं थी, ये जगह जगह अपने दोस्तों के यहाँ पर रह रहा था, दोस्तों के यहाँ पर लॉज पे, ऐसा स्पेसिफिक कोई स्थायी जगह नहीं था। उसका कितने का प्लॉट ऐसा नहीं था सर, प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसको गलत तरीके से बेचा था। 31 लाख में बेचा गया था। फरियादी के ही जाली दस्तावेज बनाए गए थे। उसकी उस इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है, अभी तो यही लंबित प्रकरण है। ये अपने नयापुरा देवास का है, 126 नयापुरा देवास का रहने वाला। मैं उप निरीक्षक विशाल नागवे, थाना अन्नपूर्णा, इंदौर।